अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं पिन व्हील बिस्किट्स विद कोको पाउडर। तो चलें आए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1 कप शुगर, कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं पिसी हुई चीनी 1 कप। तो ये ऐड करेंगे हम इसमें। 1 ही कप हमने यहाँ पर लिया है घी, अगर आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं और ऑयल भी ले सकते हैं, ये ले लेंगे। चीनी और घी को अब हमने बीट करना है। तो आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इसकी मदद से बीट कर लें, नहीं तो आप मैनुअल यानी आपके घर में जो भी विस्क हो आप उसकी मदद से इसको बीट कर लें। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बीटर से इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। इसे तब तक हमने बीट करना है जब तक इसका टेक्सचर क्रीमी ना हो जाए। तो ये देखिए किस हद तक क्रीमी हो गया है, 1 मिनट के लिए हम इसे और बीट करेंगे। तो ये देखें कितना क्रीमी हो गया है। अब हमने इसमें ऐड करना है 2 अदद अंडे। तो अंडे लेके हम इसमें ऐड कर देंगे। योग के साथ ही हम ऐड करेंगे। कई लोग इसमें खाली सॉरी एग वाइट भी ऐड करेंगे, कई लोग सिर्फ इसमें जो है वो योग ऐड करते हैं, लेकिन हम पूरा अंडा इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसको बीट करेंगे। टेन टू 15 सेकेंड्स के लिए हमने इसको बीट किया है जस्ट। तो अब हमने इसमें ऐड करनी है तकरीबन 2 टीस्पून्स बेकिंग पाउडर। 1 पिंच हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट, सिर्फ 1 पिंच, और इसको करेंगे मिक्स। फिर से बीटर से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 3.5 कप मैदा, यानी अगर आप लोग देखें तो 350 ग्राम मैंने मैदा लिया है। तो इसको मैंने छान लिया है। अब हम इसके अंदर ग्रेजुअली से हम इसके अंदर ऐड करेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और अपने बीटर को चलाते जाएंगे। तो ये देखें आप देख रहे हैं कि हमारा जो बैटर है वो किस हद तक थिक हो गया है, और मशीन जो है इसमें घूमते हुए जो है वो स्लो हो गई है, बेचारी को मसला हो रहा है। तो हम मशीन को कर देंगे बंद और अब हम इसमें अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे। बाकी का जितना मैदा पड़ा है तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अपने हाथों की मदद से हमने इसको मिक्स करना है। ये एक सॉफ्ट सी डो होगी। चीज़ों की क्वांटिटी बिल्कुल इतनी ही रखिएगा, फिर परफेक्ट बिस्किट बनते हैं। कम ज़्यादा कर देंगे तो ख़राब भी हो सकते हैं। तो ये देखें किस तरह से ये डो रेडी हो रही है हमारी। इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए बस ऐसे ही गूंथते जाएंगे हल्के हल्के हाथों से। 5 मिनट के लिए मैंने इसको गूंद लिया। ये देखें इसके अंदर घी कितना अच्छा इसके अंदर ऊपर आ गया। तो ये इस तरह ही भुरभुरी सी होती है, जो केक की जो डो होती है वो भुरभुरी ही होती है। अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने मैदे वाला पैन लिया था आधा मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए हाँ, बैटर मैंने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, ये डाल देंगे इसमें। तो अब हमने इसको इसमें अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए अब इतने पंच की मदद से देखें इस तरह ऐसे पंच लगाने हैं इसको, और इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। कोको पाउडर अभी भी हमारा मिक्स नहीं हुआ सही, कहीं से ज़्यादा है कहीं से कम है। तो हमने ये देखें इसको इस तरह से पंचिंग करके इसको मिक्स करना है, ताकि ये इक्वली पूरे बैटर में मिक्स हो जाए। अगर आपको लगे कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है तो आप इस तरह से पंचिंग करके इसको
इसको इक्वल कर लें। अगर आपको इसकी क्वांटिटी कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं, लेकिन 2 टेबलस्पून बहुत है। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोनों डो हमारी जो रेडी है, यानी एक चॉकलेट और एक सिंपल प्लेन में। तो एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, इन बिस्किट में जो स्वीटनेस होती है वो लाइट होती है। चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि बिस्किट बहुत मीठे हो गए तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। लेस स्वीट और बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसको करते हैं साइड पे। यहाँ पे मैंने लिया है एक प्लास्टिक की थैली, आप चाहें कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं ये जितना भी बैटर है वो निकालूँगी हाथ की मदद से। इसको ऐसे बना के पेड़ा सा इसमें रख के फैला दूँगी। और इसको हम बंद करके बेल लेंगे। ऐसे मैंने इसको बंद कर दिया। तो अब हम इसको बेलना लेकर बेल लेंगे। तो ये देखें, थोड़ा सा बाहर भी आ रहा है क्योंकि थैली थोड़ी छोटी है। तो अब हमने इसको बेल लिया। अब हमने यहाँ पर ट्रे ली है, कोई भी ट्रे ले लें और इसके ऊपर इसको रख दें। मैं इसके ऊपर इसको उठा कर रख रही हूँ, ये देखें, उठाया और ऐसे रख दिया इसको। तो ये जो बाहर निकल रहा है इसको उतार दें, बेशक रहने दें, कोई मसला भी नहीं है। इसको ऐसे करके इनकी साइड्स पे लगा दें। ये देखो हो गया। इसी तरह चॉकलेट वन को भी मैं ऐसे ही कर लूँगी। तो ये देखें, इसको भी मैंने इसी तरह बेल लिया है और इसको भी मैं ट्रे उसी के ऊपर ही ऐसे रख दूँगी। तो ये देखें, जो प्लेन है वो नीचे है, चॉकलेट वाली मैंने ऐसे ऊपर रख दिया। अब हमने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि इसका जो टेक्सचर है वो हार्ड हो जाए। तो 1 घंटे के लिए इसमें फ्रिज में रख रही हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो ये देखें, 1 घंटा हो गया और मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया। तो इतनी अच्छी ये सेट हो गई है। वन बाय वन हम दोनों को इस तरह निकाल लेंगे। ये देखें, ये बहुत मज़े की सेट हुई है। अब हमने क्या करना है, वेनिला वाला जो है, ये वाला जो हमने सिंपल बनाया था, सॉरी वेनिला नहीं है इसमें, तो हम इसको जो है वो आराम से उठाएंगे और इसके ऊपर चॉकलेट वाले के ऊपर टर्न कर देंगे। तो ये देखिए, चॉकलेट वाली है अभी, ये रैपर के ऊपर ही है और हमने वेनिला वाली को उठाना है अपनी। हमने इसके ऊपर बराबर पे इसको रख देना है, ऐसे बेलना लेंगे, इसको फ्लैट करेंगे, क्योंकि ये हमने जब उस पर रखी थी तो ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। ट्रे हमारा छोटा था, अगर आपके पास बड़ा ट्रे हो तो वो ज़्यादा बेहतर है कि वो इजीली उसको सीधा सीधा ही रहने देगा। तो ये देखिए, मैं इसको हल्का हल्का प्रेस करूँगी, बिल्कुल लाइट सा सिर्फ मैं उसको ऊपर सीधा कर रही हूँ, जो किनारे उसके मुड़े हुए थे। तो मैं इसको उतार लूँगी। तो ये देखिए, मैं इसकी शीट को रिमूव कर रही हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ूंगी, क्योंकि ये ना हो कि ये फोल्डिंग करते हुए ये टूट जाए। तो अभी हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस साइड से हम फोल्डिंग करना शुरू करेंगे, इस साइड से नहीं, क्योंकि हमने इसको जिस तरह फोल्ड करते जाना है वैसे वैसे हमने इसका कवर बंद करते जाना है। तो ये देखें, हल्का सा फोल्ड देंगे इसको। अभी ये ठंडी ज़्यादा है तो मैं इसको, ये देखें टूटने लग गई है। तो इस तरह नहीं करना, हम जस्ट 2 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट देंगे कि थोड़ी नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। तो ये देखें, ये तकरीबन नॉर्मल फॉर्म में आ गई है। तो मैं हल्के हल्के हाथों से जो है इसको प्रेस भी करती जाऊंगी और इसको फोल्डिंग भी करती जाऊंगी इस तरह से। अगर ये यहाँ से जो है वो क्रैक्स पड़ जाते हैं तो आप हाथों की मदद से उसको मैनेज कर लें। हल्के हाथों से हमने इसको पलटाते जाना है। ये देखें, इसमें ऑयल इतना होता है जो घी हमने इसके अंदर ऐड किया था। आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। घी में भी उसी तरह ही बनते हैं जिस तरह से बटर में बनते हैं, बस बटर का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये देखें,
इसको हमने हल्के हाथों से ऐसे इसका रोल सा बना लेना है। ये देखें इस तरह से मैंने रोल को तैयार कर लिया है। अगर आपका कहीं से भी आपको लगे कि ये थोड़ा सा ख़राब हो रहा है या ये देखें यहाँ से ये उतर रहा है, तो नो वरीज़, आप हाथों की मदद से इसको इक्वल कर सकते हैं। तो ये देखें कुछ पीसेस गिर रहे हैं, तो बेशक आप वो उस जगह पर लगा कर उसको एडजस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैं इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ, ये देखें ऐसे। अब हम इसकी शेप्स काटते हैं। बिस्मिल्लाह, एक शार्प नाइफ ले लें और उसकी वजह से आप उसको शेप्स को काट लें। तो ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम रख के इसके थोड़े डिफरेंट बिस्किट्स बना लेंगे। तो इतनी चौड़ी में रख रही हूँ, हम इसकी कटिंग करेंगे। मेरी नाइफ बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, ये देखें। तो इसी तरह हम अपने बिस्किट्स को काट लेंगे, ये देखें। ये देखें कितने मज़े की एक पहाड़ की तरह की शेप बन गई है, कितनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी लुक आ रही है इसकी। आप चाहें तो इसको राउंड, इसको बेल कर राउंड कर लें, चाहे तो इसको चकोर शेप दे लें, ब्लॉक कर लें दो लेके उसकी मदद। अच्छा, इनको मैं एक मैंने यहाँ पे लिया है पैन, मेरे पास मैंने ये छोटा लिया है क्योंकि मेरे बड़ा वाला मेरी देखची में पूरा नहीं आता, तो मैंने यहाँ पे छोटा लिया है। तो मैं इसके अंदर इस तरह से इनको रखती जाऊँगी, ये जो मैं बना रही हूँ। तो ये देखें थोड़े फासले से इनको मैं कटिंग करती जाऊँगी और मैं इसके अंदर इसको ऐड करती जाऊँगी, ये देखें। ठीक है, अभी ये बाकी भी मैं इसी तरह काट लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें इतने बिस्किट मैंने तैयार किए हैं, पहले मैं इनको बेक करूँगी और ये जो बाकी का मटेरियल है इसको मैं दोबारा से रैप करके फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ज़्यादा मेल्ट ना हो, सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखें मैं इसको दोबारा करके ये इसको मैं रैप कर रही हूँ और मैं इसको रैप करके दोबारा से फ्रिज में रख दूँगी, देखें। अब इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, उसके अंदर नमक भी छा के जाली स्टैंड रख दिया और इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया मैंने। तो ये जो इसका होल है इसको मैंने आटा लगा के बंद कर दिए, आटे की लई लगाई उसको मैंने उसको बंद कर दिया। तो जिस तरह ये प्री हीट होता है तो हमने इसके अंदर अपनी कुकीज़ को ऐड करना है। तो चलें अपनी कुकीज़ को इसके अंदर ऐड करते हैं। प्री हीट हो चुका है, अब इसको ध्यान से हम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, तो ये देखें यह मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम पे कर देंगे, तकरीबन 20 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इनको बेक करना है। तो मिलते हैं 15-20 मिनट्स के बाद। 20 मिनट्स हो चुके हैं तो हम इसको लिड उठाकर चेक करेंगे कि ये हो गए हैं कि नहीं। तो ये देखें बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं, बिल्कुल सही कुक हो गए। अब हमने इनको बहुत ही ध्यान से इनको निकाल लेना है फ्लेम को। अभी मैंने ऑन ही रखा हुआ क्योंकि मैंने बाकी भी कुकीज़ इसी तरह ही हैं, मैंने पिनव्हील्स जो है अपने बनाने हैं बिस्किट्स। तो अभी हम इसको आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए मेरे पास कूलिंग रैक जो बारीक होता है वो नहीं है, तो मैंने यहाँ पर ये इस तरह ढक्कन है उसको उल्टा करके ले लिया है। तो हमने अपने बिस्किट्स इसके ऊपर निकाल लें ताकि ये नीचे और ऊपर से इसको एयर लगेगी तो ये जो है वो क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये देखें, ये देखें पीछे से भी कितना अच्छा इसका कलर आया है। हमने इनको निकाल लेना है, गरम बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने नेक्स्ट बैच तैयार करना है, तो मैं इसके लिए जो है वो इनको पहले ही निकाल लूँगी, वरना मैं इसी पे भी ठंडा होने दे सकती थी। अगर आपको मज़ीद बनाने हैं तो फिर आपको डेफ़िनेटली जो है वो इसको इस तरह से कूलिंग रैक पे निकालना पड़ेगा ताकि नीचे और ऊपर से एयर क्रॉस हो और ये क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखें ये मैंने इस तरह से निकाल लिए हैं सारे। तो इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इस तरह से छोड़ देना है ताकि ये ठंडे और क्रिस्पी हो जाएं। तो मिलते हैं 10 मिनट्स के बाद।
तो तैयार हैं हमारे मज़ेदार से पिनव्हील के बिस्किट्स। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने भी फर्स्ट A1 बैच ही रेडी किया है, बाकी के मेरे रेडी हो रहे हैं। तो ये देखें कितने ये मज़े के, और ये बहुत क्रिस्पी हो चुके हैं। जितना ज़्यादा ठंडा करेंगे, फुल ठंडा करके खाएंगे, तो ये उतने ही क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं नई रेसिपी के साथ जल्दी आपसे मिलूँगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।